अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ईएनटी के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनमें थ्रोट में हमने अगली जो चीज़ करनी है वो ब्रोंकोस्कोपी है। बस इसके अलावा वी हैव टू डू एडेनोइडेक्टोमी एंड टॉन्सिलेक्टोमी और एक इसोफेगोस्कोपी छोटी सी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी। जो असल में ना इंपॉर्टेंट है ज़्यादा वो हमारे पास, मैं अभी आपको बताती हूँ क्या ये ब्रोंकोस्कोपी का। सिर्फ आपको एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ लेता है वाइवा में कि ब्रोंकोस्कोपी की या नहीं की, या फिर हमारे पास ये इंडिकेशन थी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके पास ना बाकायदा SCQ का पार्ट आता होता है कि राइट डाउन द इंडिकेशंस ऑफ ब्रोंकोस्कोपी। मतलब ब्रोंकोस्कोपी में से आपका प्रोसीजर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछते कि अंदर ब्रोंकोस्कोप किस तरह लेके जानी है, राइट पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है, वॉट एवर, कुछ भी कभी भी नहीं पूछते होते। लेकिन आपका ब्रोंकोस्कोपी में से ये इंडिकेशंस इतनी दफा रिपीट हुई है, आपका पूरा 3 नंबर का, समटाइम्स 4 नंबर का भी, अगर एक पार्ट में डायग्नोसिस पूछते हैं तो दूसरे पार्ट में पूछते हैं कि राइट डाउन द इंडिकेशंस ऑफ ब्रोंकोस्कोपी, तो क्वेश्चन आता होता है, तो आपको इंडिकेशंस ऐसी चीज की ना पक्की पक्की याद कर लिया करें, ठीक है। चाहे आपको याद करनी पड़े, वैसे तो समझना सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन समझने के बाद आप उसे पक्का याद कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान होगा। इस वजह से मैंने इस ब्रोंकोस्कोपी को लाजमी इंक्लूड की है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मेजरली डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, थेरेप्यूटिक भी हो सकता है। नाम से पता चल रहा है स्कोपी का मतलब होता है देखना और ब्रोंको का मतलब होता है ब्रोंकाइट को, ठीक है। तो हमने जो पीछे की थी लेरिंगोस्कोपी, लेरिंगोस्कोपी जो DL मैंने आपको बताई थी, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, उसमें हम सिर्फ लेरिंग्स तक व्यू करते हैं और उसको करने का मकसद था लेरिंग्स के हिडन एरियाज को देखना और लेरिंग्स के अंदर कोई एनोमली को देखना एंड वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमने लेरिंग्स से आगे देखना हो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, बेसिकली ब्रोंकाई को, और ब्रोंकाई से हम, क्योंकि इस ब्रोंकोस्कोपी में हम ये करते हैं ना कि जो आपका सपोज करते हैं दिस इज योर ट्रेकिया एंड यहाँ से 2 मेजर ब्रोंकाई आ रही हैं और इसके बाद आपकी मजीद ब्रोंकियोज में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही है, तो जब हमें किसी एक पोर्शन ऑफ लंग को देखना हो, सपोज मेरा मुझे यहाँ पर लंग के इस पोर्शन में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन नजर आ रही हैं, या फिर लंग का ये पोर्शन सिर्फ मुझे लग रहा है कि कोलैप्स किया हुआ है और मैं इसको देखना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी हम जो चीज करते हैं वो ब्रोंकोस्कोपी होती है, क्योंकि ब्रोंकोस्कोप आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करके इधर मेन ब्रोंकस तक के एंड तक ले आते हैं, ठीक है। और कभी कभार तो आप मेजर ब्रोंकस से भी आगे लेके जा सकते हैं जो आपकी फाइबर ऑप्टिक होती है, जो फ्लेक्सिबल होती है उसको, तो इस वजह से आपके लिए व्यू करना बहुत आसान हो जाता है अंदर तक, ठीक है। तो ये होती है आपकी ब्रोंकोस्कोपी के आपने अंदर तक जो ब्रोंकाए, ब्रोंकियोल्स, बहुत ज्यादा डिटेल में ब्रोंकियोल्स तो है नहीं नजर आती है, लेकिन काफी हद तक आपने अगर देखना हो अंदर अपने ट्री ऑफ को, ब्रोंकियल ट्री जो होता है, तो आप ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। दो तरह की होती है, या तो रिजिड ब्रोंकोस्कोप है, पहले ज्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी रिजिड वाली। रिजिड में ये होता है कि उस तरह आप जो है वो उसको मोड़ नहीं सकते, मतलब आपका एक सीधी स्ट्रेट, जिस तरह डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप एक सीधा स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट था, ये भी एक सीधा होता है जिसको आपको फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब रिजिड से आपको समझ आ रही है ना। और जो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक है ना, उसके 2 फायदे हैं, तो वो है फ्लेक्सिबल, और दूसरा रिजिड ब्रोंकोस्कोप में ना, मैं भी आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि जो आपका डॉक्टर है वो खुद देख रहा होता है, बल्कि आपको पहले तस्वीर ही दिखा देती हूँ फिर आपको समझ आ जाए। ये देखिए जी, इस पिक्चर में आपको बहुत सही से समझ आ जाएगा कि जो ऊपर बनी हुई पिक्चर, ये रिजिड ब्रोंकोस्कोप की है, कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है और इसको आपको खुद मतलब ये ट्रेकिया के एंड तक जाएगा, और जाहिर सी बात है कि ब्रोंकाई के अंदर जाने के लिए हम इसे मोड़ नहीं सकते, इसे हम ट्रेकिया के एंड तक ले जाते हैं और वहां से हम ब्रोंकाई की दोनों जो चीजें हैं वो व्यू कर लेते हैं। ये इसका कैमरा है, ठीक है, ये वाला जो बना मैंने, यहाँ से देख रहा होता है आपका जो डॉक्टर होता है, अपनी मतलब आंखें इसके करीब लेके आके ना तो देखना पड़ता है। अब ये आपको फ्लेक्सिबल नजर आ रही है, फ्लेक्सिबल आप देखेंगे कितने आसानी से फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक जो है मुड़ के अंदर तक आ जाती है, और ये आपके ट्रेकिया के बाद अंदर ब्रोंकाई में भी आप लेके जा सकते हैं, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, और ये इसका कैमरा है। अब फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक का एक और फायदा भी होता है कि इसके आप फाइबर ऑप्टिक केबल को ना मॉनिटर से भी अटैच कर सकते हैं, तो जो मॉनिटर पे आपको सब कुछ नजर आने लग जाते हैं बजाय आप इस कैमरे में देखें, ठीक है। ये इस डायग्राम में देख ले, ये रिजिड ब्रोंकोस्कोपी हो रही है और पोजीशन ऑफ द पेशेंट इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि बिल्कुल जिस तरह डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में थी ना, कि आपने वैसे हेड एंड को थोड़ा सा एलिवेट करना है, लेकिन उसके बाद आपने एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे गर्दन को फुली एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो उसी पोजीशन में आपने पेशेंट को रखना होता है, बिल्कुल DL वाली पोजीशन होती है, जैसे DL में मैंने आपको बताई सेम वही पोजीशन, और रिजिड ब्रोंकोस्कोप आप देखिए कि अंदर इसके गई हुई है। अब आप ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी आपकी जो हो रही है, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक, अब इसमें कितनी आसानी से जो आपका ब्रोंकोस्कोप है वो अंदर मुड़ भी जा सकता है और अंदर जा भी सकता है। और आप ये देखिए, इसके व्यू में इन्हें दिखाया हुआ है कि ये आपकी ट्रेकिया से आगे ब्रोंकाई में और उसके बाद ब्रोंकियोल तक इसका कैमरा गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह फ्लेक्सिबल जो ब्रोंकोस्कोप है वो हमारे लिए बहुत फायदा है एज कम्पेयर टू जो रिजिड है। अब इंडिकेशंस दोनों की एक ही जैसी हैं, चाहे फ्लेक्सिबल हो चाहे रिजिड हो, जिनको आपने पक्का पक्का रट लेना है, जो कि सबसे पहली डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस होती हैं। उसमें अगर डायग्नोस्टिक का मतलब है कि हमें कॉज ऑफ सम डिजीज या फिर सम पैथोलॉजी है जिसका पता लगाना है, जिसमें अगर हमारे पास कोई अनएक्सप्लेन्ड डिसवीजिंग है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा कफ है, कोई खून आ रहा है उसे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों है ये सारे मसले, तो इस सारे मसलों के डायग्नोसिस के लिए हमने करना होता है, ठीक है, कॉज ऑफ एनी सिम्टम्स, हिमोप्टिसिस है, कफ है,
इस किस्म की चीजें। फिर अगर आपके पास चेस्ट एक्सरे में, मैंने आपको बताया चार चीजें, चार में से या कोई भी एक चीज शो होती है कि किसी किसी सेगमेंट का एटिलेक्टेसिस होता है। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है किसी सेगमेंट का कोलैप्स आपको नजर आता है चेस्ट एक्सरे में, ठीक है। दूसरी चीज है आपको लंग में कोई ओपेसिटी किसी जगह पर नजर आती है, उसको आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं कि ओपेसिटी क्या है, ठीक है। तीसरी चीज है कि अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइजिमा, एम्फाइजिमा का आपको पता है कि डायलेशन ऑफ द एयरवेज होता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइजिमा का मतलब है अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डायलेशन ऑफ द एयरवेज हो रही है, मतलब आप उसे देखना चाहते हैं किसी एक सेगमेंट में कि क्या प्रॉब्लम है, और कोई भी शेडो लग रहा है आपको, कोई हाइलार शेडो है, हाइलम की तरफ कोई शेडो है, मतलब इन एनी केस चेस्ट एक्सरे पे अगर कोई आपको चीज नजर आई और आप उसे डायरेक्टली व्यू करना चाहते हैं आंखों से, तो आप उसके लिए करते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज है इसकी कि आपने वोकल कॉर्ड पाल्सी के लिए भी हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स को आप लेरिंगोस्कोप में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जितना ब्रोंकोस्कोप आपको क्लियर दिखा सकता है उतना लेरिंगोस्कोप नहीं दिखाता, क्योंकि लेरिंगोस्कोप पीछे तक रहता है, लेरिंग्स के शुरू तक रहता है, ठीक है। तो ये ब्रोंकोस्कोपी में आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं। एंड देन अगर आपने कल्चर एंड सेंसिटिविटी लेनी हो किसी भी सिक्रीशंस की जो आपने लंग से लेनी है, तो आप उसके लिए भी ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थेरेप्यूटिक पर्पजेज इसके जो होते हैं वो यही है कि आपने सबसे पहले कोई फॉरेन बॉडी डायग्नोज करनी है, सॉरी फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है जो आपके अंदर किसी ब्रोंकस में फंस गई है, उसके लिए आप करते हैं, या ट्रेकिया में फंस गई है फॉरेन बॉडी उसके लिए आपको करना पड़ता है, या फिर आपकी कोई सिक्रीशंस रिटेन्ड है वो आपने रिमूव करनी है, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। कोई बहुत स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है उनको, मतलब इतना जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया में ही हम ये करते हैं विद ईटीटी, या फिर छोटी कोई ट्यूब ले लेंगे, लेकिन जीए में ही करना होता है। पोजीशन आपको मैंने बता दी, मेन स्टेप्स में इसके मैंने जैसे आपको बता दी कि हमने दो तरह से इसको कर सकते हैं। एक ये होता है कि डायरेक्टली आप लेरिंगोस्कोप ही इंट्रोड्यूस करें, लेकिन कभी कभार आप ऐसे करते हैं कि पहले आप लेरिंगो सॉरी कभी कभार एक डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली आप ब्रोंकोस्कोप ही डालते हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि आप पहले लेरिंगोस्कोप डालते हैं उसके बीच से फिर ब्रोंकोस्कोप पास करते हैं। तो वो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप अडॉप्ट करना चाहें, इट्स फाइन। फिर जो मेन मेथड है, जो टेक्निक है, जो कॉम्प्लिकेशंस विच डेवलप हो सकती हैं, वो ज़्यादातर हेमरेज टाइप ही होता है कि हेमरेज है आपका किसी भी किस्म का, ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपने कहीं पर कुछ चीज़ को तोड़ दिया, कुछ काट पीट कर दिया, कुछ फाड़ दिया, तो उससे हेमरेज मोस्ट कॉमनली हो सकता है। इससे ज़्यादा हम इतनी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ को उतना याद करने की कोशिश करें फिलहाल जितना आपके एग्जाम में आना है, तो आपका जो मेजर इसमें फोकस होना चाहिए वो ये कि दो तरह की ब्रोंकोस्कोप्स हैं, किस तरह की होती हैं, प्रोसीजर क्यों करते हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, दैट्स इट, ठीक है। फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा एज कम्पेयर टू रिजिड वन। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला हो के नास में, थैंक यू।